हिमाचल प्रदेश में कल से जारी बारिश का क्रम आज भी जारी है। अनुमान है कि आज भी तेज बारिश हो सकती है। इससे पहले जहां अप्रैल महीने में ही हिमाचल में गर्मियों का रिकॉर्ड टूट गया था, तो वहीं अब अप्रैल महीने में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट के बीच प्रदेश की चोटियों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश की झड़ी लग रही है। बारिश व बर्फबारी से प्रदेश में तापमान धड़ाम से गिर पड़ा है। तापमान में आई गिरावट से वातावरण में फिर से ठंडक लौट आई है। जहां एक तरफ वर्षा और बर्फबारी से ठंडक लौट आई है, वहीं दूसरी ओर किसानों और बागवानों को इस वर्षा और आंधी तूफान से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जहां लाखों की खेतों में खड़ी कटाई के लिए तैयार कनक को भारी नुकसान हुआ है, वहीं आम और सेब की फ्लावरिंग को भी नुकसान पहुंचा है। स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स की फसल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसका अनुमान करोड़ों में लगाया जा रहा है। वहीं बागवान सरकार से अपने नुकसान के लिए राहत की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार द्वारा नुकसान का जायजा लेने के लिए जल्द टीम भेजे जाने का अनुमान है।